पृथ्वी पर कई ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि कभी यहाँ पर जाइंट स्पीसीज निवास करती थी। वह हमारे पूर्वज थे या कोई और, यह बात अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ लोग इन्हें हमारे पूर्वजों के अंश मानते हैं, जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की अपनी अलग थ्योरी है, तो कुछ लोग इन्हें पौराणिक समय का सबूत मानते हैं। क्या सच में यह प्रूफ्स हमारे पूर्वजों के हैं या यह हमें कुछ और बताते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पिछली सीरीज टाइम ट्रेवल पर थी और आप टाइम ट्रेवल सीरीज के वीडियोस नीचे दिए गए लिंक से देख सकते हैं, और इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे प्रूफ्स की जो साबित करते हैं कि पृथ्वी पर कभी जाइंट स्पीसीज यानी भीमकाय प्रजाति निवास करती थी। इस एपिसोड में हम साउथ अफ्रीका में पाए गए एक जाइंट ह्यूमन फुटप्रिंट की चर्चा करेंगे। दोस्तों माना जाता है कि यह फुटप्रिंट लगभग 20 करोड़ साल पुराना है, जो कि 1912 में एक साउथ अफ्रीकन टाउन ब्लूजी के पास एक शिकारी ने खोजा था। साउथ अफ्रीकन ऑथर और साइंटिस्ट माइकल टेलिंगर ने 2012 में इस फुटप्रिंट पर एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट किया था, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माइकल ने बताया कि फुटप्रिंट की लंबाई करीब 4 फीट है और जिसका भी यह फुटप्रिंट है उसकी औसत लंबाई 24 से 27 फीट के बीच रही होगी। हालांकि फुटप्रिंट की एज 20 करोड़ साल बताई जा रही है, पर कुछ जियोलॉजिस्ट इसे 300 करोड़ साल पुराना भी मानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में फुटप्रिंट करोड़ों साल पुराना है, अगर है तो किसका और कैसे बना। फुटप्रिंट को लेकर जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट और क्रिटिक्स की अपनी अलग थ्योरी है। माइकल और अन्य जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि फुटप्रिंट हमारे पूर्वजों का सबूत है, यह साबित करता है कि कभी यहाँ जाइंट स्पीसीज निवास करती थी। माइकल के हिसाब से किसी जाइंट का पांव पिघले हुए मैग्मा में धंसा होगा और कई साल के बाद जब मैग्मा ठंडा हुआ होगा तो यह निशान इस चट्टान पर बन गया होगा। तो क्या यह निशान सच में हमारे पूर्वजों ने बनाया था? डॉक्टर जे वाइल जो कि न्यूक्लियर केमिस्ट हैं, इन सभी तर्कों को नकारते हुए कहते हैं कि यह कोई फुटप्रिंट है ही नहीं, बल्कि नेचुरल इरोजन यानी प्राकृतिक अपरदन से बना निशान है, क्योंकि ऐसे कई गहरे निशान और गड्ढे जियोलॉजिक प्रोसेस के दौरान पृथ्वी की प्लेट खिसकने से बनते हैं। वह माइकल की थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि यह चट्टान ग्रेनाइट से बनी है, जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर कई सालों की प्रोसेस से हुआ होगा, और मैग्मा जब सैकड़ों डिग्री तापमान पर पिघल रहा होगा तब वह पृथ्वी के हजारों फीट नीचे होगा, न कि ऊपर, और पृथ्वी के अंदर जाकर पैर का निशान बनाने वाली बात का कोई तर्क नहीं बनता। दूसरे क्रिटिक गार्थ मिशेल का भी यही मानना है कि यह पांव का निशान जियोलॉजिक प्रोसेस से बना है। मिशेल की माने तो मैग्मा पर फुटप्रिंट बनाने के लिए उसका तापमान करीब 1200 डिग्री होना चाहिए, और किसी जीवित मानव के लिए दहकते लावे में पांव का निशान बना पाना नामुमकिन बात है। जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट से अलग फुटप्रिंट के सपोर्टर्स की अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे पौराणिक समय में मौजूद अलौकिक शक्तियों का सबूत मानते हैं, यहाँ तक कि ब्लूजी टाउन और वहाँ के अन्य निवासी इसे फुटप्रिंट ऑफ गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा बनाया गया था। कुछ का कहना है कि यह दुनिया के पहले आदमी एडम का फुटप्रिंट है। स्पिरिचुअल टच से प्रभावित कई अन्य तर्क और भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह निशान किंग ऑफ बशान या गोलियत का है, जिनका जिक्र बाइबल में किया गया है। तो क्या सच में यह उन्हीं योद्धाओं के पांव का निशान है जिनका जिक्र बाइबल में किया गया था? सोर्सेस बताती हैं कि बाइबल में जिन योद्धाओं का जिक्र है उनमें से किसी की भी लंबाई 13.5 फीट से ज्यादा नहीं थी। किंग ऑफ बशान 13.5 फीट और गोलियत की लंबाई 10 फीट थी, और फुटप्रिंट आकार के हिसाब से योद्धाओं के आकार से मेल नहीं खाता। तो आखिर यह निशान बनाया किसने? एक तर्क यह भी है कि यह निशान एलियन विजिटर्स का सबूत है। पास्ट में जब कभी एलियंस यहाँ आए होंगे तो यह निशान उनके द्वारा बनाया गया होगा। दोस्तों हमने इस पर काफी रिसर्च की, पर कोई स्पष्ट तर्क सामने नहीं आया, बल्कि विवादों की एक लंबी लिस्ट मिली। आप खुद भी जाइंट फुटप्रिंट के बारे में पढ़ सकते हैं और अपना तर्क रख सकते हैं। दोस्तों इस सीरीज का यह पहला एपिसोड था। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।